ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले बात आती है ग्लेशियर के पिघलने की। हालांकि ग्लेशियर का पिघलना और नए ग्लेशियर का निर्माण तब से चला आ रहा है जब से हमारी पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ग्लेशियर के पिघलने की गति काफ़ी तेज हो चुकी है और यही वजह है जो पिछले कुछ समय से वैज्ञानिकों के बीच यह सबसे बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। ग्लेशियर ऐसी जगह होती है जहां का तापमान -40 से -60 डिग्री के बीच होता है, जिस वजह से यहां सैकड़ों मीलों तक ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता। इन बर्फीले पहाड़ों की ऊंचाई 300 से 500 फीट तक हो सकती है और इनमें लगातार बर्फ का जमाव होता रहता है। जब बर्फ जमने की वजह से इनकी ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब अत्यधिक वजन और दबाव के कारण कुछ टुकड़े टूटकर तेज आवाज के साथ पानी में गिर जाते हैं। कभी कभी ये टुकड़े इतने बड़े होते हैं कि हजारों गैलन पानी को भी 200-200 फीट तक ऊंचा उछाल सकते हैं। जिन स्थानों से ये टुकड़े टूटकर ग्लेशियर से अलग होते हैं, उन खाली हुए स्थानों पर दोबारा बर्फ का जमाव होने लगता है और इसी तरह ग्लेशियरों के टूटने और नए ग्लेशियरों के बनने की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। लेकिन पिछले 50-60 सालों में इन घटनाओं में होने वाली अकल्पनीय बढ़ोतरी की वजह बुद्धिजीवियों का एक वर्ग ग्लोबल वार्मिंग को मानता है, वहीं दूसरे वर्ग का मानना है कि यह एक सामान्य प्राकृतिक घटना है जिसमें कुछ भी अजीब नहीं है। वहीं यदि वैज्ञानिकों की माने तो इन घटनाओं की वजह से समुद्र में पानी का लेवल बढ़ने लगा है, जिससे समुद्र के आसपास बसे देशों के भविष्य में पूरी तरह डूब जाने का खतरा बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस तरह की अनहोनी होने में सैकड़ों सालों का समय लग सकता है। शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो इन ग्लेशियरों के मनमोहक नज़ारे और इन घटनाओं को अपनी आँखों से देखने के लिए लाखों लोग हर साल इन जगहों पर पहुँचते हैं और जब जब यह टुकड़े टूटते हैं तब तब उन्हें देखकर आनंदित होते हैं, क्योंकि यह घटना ग्लेशियरों के अलावा दुनिया के किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिलती। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की इस बहस से अलग लोग यहाँ केवल आनंदित होने के लिए आते हैं। अब आप भी इस वीडियो को पूरा देखकर आनंद लीजिए और इस पूरी घटना पर अपने विचार कमेंट में बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।